जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल स्वामी आत्मानंद योजना के तहत यहाँ पर आप देखेंगे तो शिक्षा विभाग में टोटल कितने पद हैं, 40, 40 और 37, अर्थात 4 तिया 12, अगर हम 3 कम कर दें तो कितना हो जाता है, 117 पदों पर नई भर्ती निकाला गया है, जिसमें 8वीं पास वाले के लिए भी वैकेंसी है, 12वीं के लिए भी है, PGD से स्नातक स्नातकोत्तर। टोटल 34 तरह के पद है, आप यहाँ स्क्रीन पर देखेंगे तो, जिसमें चौकीदार के एक पोस्ट है, तीनों जगहों का एक एक पोस्ट है, तो 3 पोस्ट हो जाते हैं। भृत्य के चार 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 पोस्ट है, अर्थात 12 पोस्ट हो जाते हैं टोटल। तो आप 8वीं पास से देख सकते हैं 50% अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ये कहा गया है। आगे देखेंगे तो सहायक ग्रेड 3 के भी पोस्ट है, जिसमें मान्यता प्राप्त स्कूल से आपका हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या DCA आप PGDCA में से कोई एक किए होने चाहिए। लेखापाल सहायक ग्रेड 2 के भी इसमें पोस्ट है, यहाँ पर देखेंगे तो योग्यता क्या रखा गया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और DCA या PGDCA आप किए होने चाहिए। सहायक शिक्षक भौतिक प्रयोगशाला के भी है, तीनों में एक एक पोस्ट है तीनों जगहों पर, और ग्रंथपाल, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक गणित, सहायक शिक्षक सामाजिक विज्ञान, सहायक शिक्षक अंग्रेजी, सहायक शिक्षक हिंदी, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला अंग्रेजी, यहाँ माध्यम दिया हुआ, जैसे कि यहाँ हिंदी माध्यम लिखा हुआ है, सॉरी विषय है ये, माध्यम कहाँ पर है हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैरवगढ़, यहाँ उत्कृष्ट है ये, भैरवगढ़, भोपालपट्टनम, आवापल्ली, तीनों जगहों पर निकाला गया, जिसमें भैरवगढ़ और भोपालपट्टनम में 40-40 पोस्ट हैं, आवापल्ली में 37 पोस्ट हैं। तो न्यूनतम योग्यता भी यहाँ दिया हुआ है और संविदा नियुक्ति का मानदेय कितना रहेगा वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। संविदा नियुक्ति का मानदेय इस कॉलम में दिया हुआ है, आपको ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। जी हाँ, तो ये जो भी कैसे निकाला गया है, शिक्षा विभाग में निकाला गया है, पूरे छत्तीसगढ़ में निकाला गया है, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा और बीजापुर जिला में निकाला गया है, लेकिन आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी जिले से बिलोंग करते हो। हालांकि ये जो नियुक्ति होगी ये संविदा नियुक्ति है, प्रतिनियुक्ति है, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अस्थायी रूप से संविदा प्रतिनियुक्ति पर शिक्षक एवं अन्य कार्यालयीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदक मंगाए जा रहे हैं। अब बात आती है कि आप आवेदन कहाँ जमा करेंगे, तो आवेदन पत्र को भरकर आपको जिला शिक्षा अधिकारी जिला बीजापुर पिन कोड 49 44 44 के पते पर पंजीकृत डाक या स्पेशल पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करने होंगे। आवेदन जमा करने का दिनांक 4/6 से स्टार्ट हो चुका है, आप 21/6/2021 तक कार्यालयीन दिवस या समय पर साढ़े पाँच बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपके आवेदन पर कोई स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यहाँ इसमें व्याख्याता के भी पोस्ट हैं, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्याख्याता के हैं, जिसमें अलग अलग BEd भी मांगा गया है, कई में DEd भी मांगा गया है। तो जो भी योग्यता आपके पास है, आप जो अर्हताएँ रखते हैं इसमें से किसी में, आप एक से ज़्यादा पदों पर भी आवेदन कर सकते हैं। बस इतने होगा कि आपको अलग अलग आवेदन करने होंगे। यहाँ पर चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसको पढ़कर आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अध्यापन कार्य में अनुभव वाले आवेदकों को ज़्यादा प्राथमिकताएं दी जाएगी। आवेदन पत्र के बारे में भी यहाँ बताया गया, एज लिमिट, हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें एज लिमिट को भूल गया था, तो यहाँ न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए ये कहा गया है, लेकिन अधिकतम को नहीं बताया गया है। अधिकतम इसमें 40 वर्ष रहते हैं, सामान्यतः 40 वर्ष कर दिया गया है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद आप और नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहेंगे तो bijapur.gov.in पर आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह है आवेदन पत्र का प्रारूप। एक बार हम आवेदन पत्र को डाउनलोड करके बता देते हैं, क्योंकि कई बार डाउट होते हैं, कई लोगों को कमेंट भी आ रहा है कि PDF खोल लिंक पर क्लिक करें तो PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो एक बार हम आपको डाउनलोड करके बता देते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में आना होगा, गूगल में आने के बाद आपको बीजापुर छत्तीसगढ़ में क्लिक करना होगा। बीजापुर छत्तीसगढ़ जैसे ही आप लिखते हैं तो अभी स्क्रॉल करते जाएंगे, जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो ये लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट बीजापुर, तो आप यहीं पर क्लिक कर सकते हैं सीधे, वहां से आपको रिक्रूटमेंट में जाना होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट, आप इसको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज इस तरह से रिडायरेक्ट होता है, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये 7/6 लिखा हुआ है, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है 7/6 लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 4/6/2021 से 21/6/2021। यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे, 4 MB फाइल लिखा हुआ है, तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा, तो इसी पर आपको क्लिक करना होगा डाउनलोड करने के लिए। आगे भी नए नए जॉब से जुड़े जानकारी लेना चाहेंगे तो नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबाएं और सब्सक्राइब भी कर दिए रहे। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये लाभ होगा कि अभी जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो का लाभ ले पाएंगे।